इंडियाज मोस्ट वांटेड क्राइम स्टोरीज विद सुहेब इलियासी में सुनिए माफिया सरगना और किडनैपिंग किंग बबलू श्रीवास्तव और चंद्रा स्वामी के बीच की वो कहानी जो आज तक न किसी ने कही और न किसी ने सुनी, सिर्फ रेडियो मिर्ची पर और मिर्ची प्लस ऐप। आज मैं इंटरव्यू कर रही हूँ उस शख्स के साथ में जो हमेशा से इंडियाज मोस्ट वांटेड रहे हैं और फिर से वो इंडियाज मोस्ट वांटेड बन चुके 2022 में बाय डूइंग अ स्पेशल शो विद मिर्ची प्लस व्हिच इज कॉल्ड इंडियाज मोस्ट वांटेड। वेलकमिंग सुहेब इलियासी ऑन मिर्ची प्लस। थैंक यू सो मच समीना, बहुत बहुत शुक्रिया। टॉकिंग अबाउट दिस शो, आपने एक शो किया था जो इतना यानी लोगों ने इतने शौक से देखा था और उसको इतना फॉलो करते थे, इतना रिलीजियसली, उसका एक अलग इम्पैक्ट था। और अब आपने ये शो किया जो ऑडियो बेस्ड शो है, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है दोनों में और क्या डिफरेंशिएशन आप दिखते हो? देखिए, इंडियाज मोस्ट वांटेड क्राइम स्टोरीज विद सुहेब इलियासी ऑन रेडियो मिर्ची और जो इंडियाज मोस्ट वांटेड इंडिया फाइट्स बैक, ये जो इस टैगलाइन के साथ हमारा प्रोग्राम अर्ली 2000 अब से तकरीबन 20 साल पहले आया करता था, वो देश का सबसे पहला प्रोग्राम था जिसमें हम कथित अपराधियों को जो भागे हुए थे और जिनको पुलिस तलाश कर रही थी, तो टेलीविजन की मदद से हम जनता का आह्वान किया करते थे, उसे पूछा करते थे, देखिए ये शख्स है, पुलिस इस व्यक्ति को, उनका कहना है कि ये वारदात करके इस जगह से भागा है, तो अगर आपको इसकी इसके बारे में कोई भी जानकारी है तो पुलिस को दे, हमें दे, ताकि इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सके। तो इस कार्यक्रम की मदद से लगभग 135 कथित अपराधी या अभियुक्त पकड़े गए या उनको एनकाउंटर में मारा गया, और वो देश का पहला कार्यक्रम था और देश का पहला मिशन था टेलीविजन पर, जो कि हमारे लिए वो आज भी वही उसी तरह का मिशन है रेडियो पर। सर, इस शो में क्या हमें वैसे ही क्राइम स्टोरीज दिखेगी जो हमने देखा था आपके पुराने शो में? आप आपके ऑडियंस को बता सकते हो उस शो में हमें ऐसा क्या दिखने मिलेगा जो मे बी कुछ अलग भी है? एक तो है कि ऑडियो है तो वो ऑलरेडी एक डिफरेंट यूनिक चीज है, बट इसके अलावा और क्या यूनिक देखने को मिलेगी इस शो में? हमारे आज OTT टेलीविजन और रेडियो पर बहुत सारा कंटेंट क्राइम प्रोग्रामिंग को लेकर है और हम ये समझते हैं कि हमारा प्रोग्राम जुदा सबसे इस तरह से है कि हम सच्ची कहानियाँ कहते हैं, हम सब अकंदोज कहानियाँ कहते हैं। हमारा मकसद मनोरंजन या लोगों को महसूस करना नहीं है, उनको एंटरटेन करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद उनको आगाह करना है, उनको सच्ची बात बताना है, सच्चे किस्से उनको सुनाकर, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में उन मोडस ऑपरेंडी से बच सकें, उन अपराधियों के खिलाफ आवाज बुलंद कर सकें और गलत को गलत कहने की हिम्मत जुटा सकें और गलत को गलत कहकर गलत को रोकने में अपना सहयोग अदा करें। सो ये मकसद है बुनियादी तौर पर, और आज भी हम उसी तरह से अपनी सच्ची कहानियां अपने प्रोग्राम में कह रहे हैं। और टेलीविजन पर जो और दूसरे कार्यक्रम है उनका नाम लिए बगैर मैं थोड़ा सा, चूंकि आपने पूछा है कि जुदा कैसे है, अलग कैसे है, तो हम लोग चूंकि कहानियों को जितनी बात जैसे है सिर्फ उतना ही फैक्ट्स के साथ में, हमारी जिम्मेदारी है कि हम बातों को उतना ही कहें, उसमें मिर्च मसाला लगाकर, उनको बढ़ा चढ़ा कर, कल्पना के घोड़ों पर बैठ कर, हमारा कहानी कहने का मकसद नहीं है। और वो इन्वेस्टिगेशन, वो डिटेल जानकारियाँ जो और दूसरी जगह पर मुहैया नहीं है, ऐसी बातें, ऐसी जानकारियाँ, ऐसी प्रोग्रामिंग, ऐसा कंटेंट जो कि यूनिक हो और लोगों को पहली बार उसके बारे में, उस आपराधिक घटना के बारे में उसकी जानकारी मिले। मिसाल के तौर पर बबलू श्रीवास्तव और चंद्रा स्वामी के बीच में जो किस तरह के रिश्ते थे, ये आज तक लोगों को नहीं मालूम है। चंद्रा स्वामी और बबलू श्रीवास्तव, जो कि माफिया सरगना और किडनैपिंग किंग जिनको कहा जाता है, वो आज भी उत्तर प्रदेश की एक जेल में मौजूद है। चंद्रा स्वामी तो इस वक्त हमारे बीच नहीं है, लेकिन इन एक पॉलिटिकल सेटअप किस तरह से अपराधियों का इस्तेमाल करता है, ये जानकारियाँ रेडियो मिर्ची प्लस पर आप पहली बार सुनेंगे या जिन लोगों ने सुना है उन्होंने पहली बार सुना है। तो इसके अलावा आप जो मीडियम है, जैसे कि एक मिर्ची प्लस तो है ही मीडियम, बट इसके अलावा सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि काफी क्राइम के चैप्टर्स बाहर आ जाते हैं, जैसे कि रीसेंट वन इज द आफ्ताब चैप्टर आल्सो, इट वाज वेरी ग्रूसम द वे इट केम अक्रॉस एंड द वे ही इज एक्सप्लेनिंग। डू यू समवेयर फील कि सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया एक ऐसा मीडियम बन चुका है जहाँ पे न्यूज बहुत जल्दी मिल जाती है,
Maybe punishment and all that completely depends on the law because you know it takes its own due. But कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो बाहर public के सामने बहुत जल्दी आ जाता है, पहले ऐसे नहीं होता था। बहुत फर्क हुआ है जब से मतलब पिछले 20-30 सालों में, जिस तरह से सोशल मीडिया पर आज इतने आसानी से जानकारियां उपलब्ध हैं जो कि पहले इतना आसान नहीं था। तो यकीनन बहुत फर्क आया है टेलीविजन प्रोग्रामिंग या स्टोरी टेलिंग के लिहाज से, और लोग अब बहुत ज़्यादा उत्साहित, उनको बहुत ज़्यादा उत्साह और क्यूरियोसिटी उनको होती है, क्योंकि वो जानकारियाँ जो हमारे कॉरेस्पोंडेंट्स होते हैं उनके साथ साथ ही चला करते हैं, जो जो जानकारियाँ उनको हैं वो जानकारियाँ उनको भी हैं। तो ये बहुत अच्छी बात भी है कि सोशल मीडिया एक बहुत सकारात्मक रोल अदा कर रहा है इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन के लिहाज से, लेकिन उसकी बहुत सारी खामियां भी हैं, बहुत सारे उसके ऐसे पहलू भी हैं जिनसे कि वो इन्वेस्टिगेशंस को नुकसान पहुंचता है, ऐसी कयास आ रही शुरू हो जाती हैं जो कि गैर मुनासिब हैं और वो इन्वेस्टिगेशंस को एडवर्सली इफेक्ट कर सकती हैं। इसके अलावा कहीं ना कहीं आपको लगता है कि क्राइम के यू नो सिनेरियो में कभी कभार ऐसी भूलचुक भी हो जाती जहां पर गलत पनिशमेंट भी मिल जाती है, जैसे कि यू नो आपने भी मालूम बोला था कुछ साल पहले ही कि 18 साल आपको एक गुनाह जो आपने किया नहीं है उस गुनाह में आपको यानी रखा था, आपको कहीं ना कहीं लगता है कि वो जस्टिस करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज यू नो कभी कभार एंड दैट हैपेंस यू नो मेनी टाइम इनोसेंट यू नो आर एक्चुअली बिकमिंग यू नो द टारगेट ऑफ यू नो सच क्राइम सिनेरियोस वेयर यू नो दे आर नॉट एट फॉल्ट, के अलावा यू नो और कर रहा है क्राइम पर नाम किसी और पर आ रहा है, आप इस पर क्या कहना चाहोगे? देखिए हमारी अदालतों में जो कुर्सियों पर बैठते हैं बहरहाल वो इंसान हैं और इंसानों से गलतियां यकीनन होती हैं, क्योंकि अगर वो फरिश्ता हो जाए भगवान हो जाए तो यकीनन सबके साथ इंसाफ हो जाए, तो ऐसा होता नहीं है। सच्ची दुनिया में सच्ची जिंदगी में ऐसे बहुत सारे हालात इंडिविजुअल्स के साथ आते हैं जहाँ हमको लगता है कि उसके साथ गलत हो गया, इंसाफी हो गई, और ऐसे माहौल में बहुत बहुत उलझन महसूस होती है क्योंकि मैं खुद इससे गुजरा हूँ, और कहाँ आसमान कहाँ ज़मीन फिर कहाँ, तो इस तरह से बहुत रोलर कोस्टर का जो ज़माना मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में जिया है वो यकीनन मैं समझता हूँ कि समाज में हमारे पुलिसिंग डिपार्टमेंट्स में हमारी जुडिशरी में परफेक्शन आते आते आएगा, और ऐसा लगता था कि मैं ज़मीन तोड़ दूँ आसमान फोड़ दूँ क्या कर दूँ कैसे कर दूँ कैसे कहूँ कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है गलत हुआ है, लेकिन वो तो सिर्फ समय के साथ ही होगा, वक्त के साथ ही होगा और जो हुआ। सो ऐसे और बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पर मीडिया ख़ास तौर से पहले ही से इतना बड़ा शोर शराबा कर देता है कि वो पुलिस को जुडिशरी को एडवर्सली इम्पैक्ट करते हैं, एडवर्सली अफेक्ट होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि समय के साथ साथ चीज़ें बदलेंगी और बदल रही हैं। सर अगर आपको आपके यानी इस चैप्टर को आप चाहोगे कि आप उससे कहीं यानी बड़े पर्दे पर दिखाए और यू नो कहीं ना कहीं भले क्योंकि अब वो केस हो चुका है उस पे यू नो अलग यानी रिस्पांस आ चुके हैं, कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि वो भी एक बड़े पर्दे पर आए और लोगों को यू नो सच्चाई पता चले और मे बी इन अ वेरी यू नो बॉलीवुड स्टाइल मे बी बट पीपल गेट टू नो दैट यू नो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली रियलिटी इज बिकॉज यू नो समटाइम्स देयर आर सो मेनी फिल्म्स जहां पर हम देखते हैं कि जैसे कि करता कोई और है भुगतता कोई और है और ऐसे किस्सों की कहानियां देखकर भी लोग याने वो जस्टिफाई कर पाते हैं, उनको भी पता चलता है कि चलो ठीक है यू नो ऑल दिस वाइल शायद से हम गलत थे किसी को यू नो आजमाइश करने में, पब्लिक भी जनता भी। तो आप चाहते हो कि कभी ऐसे याने इस चीज को यू नो बड़े किरदार पे याने बड़े पर्दे पे लेकर जाए? मेरे पास काफी इसके मुतालिक लोगों के ऑफर्स आते रहे हैं और यकीनन अगर कोई बहुत जिम्मेदार डायरेक्टर या कोई बहुत जिम्मेदार स्क्रिप्ट राइटर सामने आता है, कोई जिम्मेदार कोई बात आती है सामने तो उसको देखा जा सकता है। हालांकि ये बहुत पेनफुल है मेरे लिए खुद के लिए, जमाने से वापस फिर उसको जीना फिर उसको याद करना फिर उसको सुनना, बहुत सारी अच्छी यादें भी हैं बहुत सारी खूबसूरत यादें भी हैं बहुत अच्छा, लेकिन बहुत तकलीफ भी है बहुत पेन भी है, और मैं सिर्फ अकेला मैं ही नहीं हूँ, बच्चे भी बड़े हो गए हैं,
सो उनका उनकी भी जिंदगियां हैं, उनके भी यार दोस्त हैं, उनके भी उनका भी अपना समाज है, और वो उनको किस तरह से पॉजिटिवली या नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन लोगों का काम है कहना, लोग तो कहते ही हैं, लोग तो बातें करते ही हैं, सो ये क्यूरियोसिटी तो होती ही है कि भाई अच्छा अरे क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ था, क्या हुआ था, तो ये तो मैं इसको पिछले 20-22 साल से जी रहा हूँ, लेकिन अगर कोई ऐसी कुछ जिम्मेदार बात आती है तो उसको समझा जा सकता है, उसको सोचा जा सकता है। और सर पहले आपको जानने देने से पहले मुझे आपसे एक डायलॉग जरूर बुलवाना है जो आपका इंडियाज मोस्ट वांटेड का फेवरेट डायलॉग रहा है और वो सभी के लबों पे था, तो आप प्लीज एक बार बोलो। टुगेदर वी कैन एंड वी विल मेक अ डिफरेंस। गुड बाय सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सबीना। थैंक यू।